आप एसी बंद कर सकते हैं। नहीं मैम, सॉरी जी। ओके, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आजकल आप दोनों जो भी बना रहे हैं सारा का सारा सब वायरल है, सारा का सारा मतलब हर जगह से आप ही लोगों के मतलब गाने प्ले हो रहे हैं। कहीं पे भी मैं जाता हूँ मुझे ये सुनाई देता है, मतलब सिर्फ आप ही लोगों के गाने चल रहे हैं, चाहे वो याद पिया की आने लगी हो, चाहे विश्रम भी होफा एंड अभी लुट गए, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है आप दोनों को? ये कहना चाहेंगे थैंक यू वेरी मच। अब एक डायरेक्टर का क्या होता है ना कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा वो होता है कि जो उस कहानियाँ आप कहना चाहते हैं, जो स्टोरी टेलिंग आप करना चाहते हैं, वो ऑडियंस को भी पसंद आनी चाहिए ना, उनको भी वो स्टोरी सुनने का कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बस यही रहता है कि हम जो कहानियाँ कहना चाह रहे हैं और कह रहे हैं और वो लोगों को पसंद आ रही हैं, तो विच इज़ गॉड इज़ काइंड एंड आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी, मैं तीन लोगों को स्पेसिफिकली थैंक यू कहना चाहूँगी। एक तो ऊपर वाले को, क्योंकि उनकी रहमत के बगैर तो कोई भी क्रिएटिव कुछ भी, सो थैंक यू गॉड जी जो भी आप देखभाल कर रहे हैं। पब्लिक, बिकॉज दे आर द रियल डिसाइडर्स ऑफ योर डेस्टिनी, कि जो हम काम करते हैं उन्हें पसंद है। एंड बट वेरी स्पेशल थैंक यू टू भूषण जी जो टी सीरीज़ के ओनर हैं, जो चलाते हैं, क्योंकि उनके जो फेवरेट गाने होते हैं भूषण जी वो सिलेक्ट करके हमें देते हैं, तो ANRing वो करते हैं, गाने वो बनाते हैं, तो इतने प्यारे प्यारे गाने बनाते हैं एंड जो गाने उनके फेवरेट होते हैं वो हमें देते हैं। तो विदाउट अ गुड सॉन्ग देयर इज़ नथिंग मच यू कैन डू विजुअली, सो ही इज़ वेरी वेरी कॉन्ट्रीब्यूटिव टू वट एवर सक्सेस वी हैव, बिकॉज ही हैज़ द रियल पल्स ऑफ द ऑडियंस एंड ही इज़ सो काइंड दैट ही आइदर इंसिस्ट्स कि ये मेरा फेवरेट गाना है, या फिर एक बुके खोलते हैं और कहते हैं आप डिसाइड करो इस लॉट में से आप क्या चाहते हो। तो वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज कि हमें वो चॉइस भी देते हैं। एक तो उनके सारे गाने अच्छे होते हैं, उनमें से भी कहते हैं जो सबसे पसंदीदार है वो देते हैं हमें, तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। सो वेरी बिग थैंक यू टू हिम व्हिच वी नेवर टेल हिम बट वी शुड, सो वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक हिम। इसी के साथ में बात किया, जिस तरीके से आपकी जो आपकी जो सॉन्ग्स की जो एंड फिल्मोग्राफी की जो हो रही है कि एक हर जगह की ना टूटे हुए दिल टूटे ट्रेजेडी, जिस तरीके से अभी हमारी बात हो रही थी कि एक वो अधूरे इश्क की एक कहानी को दिखाया गया है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक प्यार अधूरा रह जाता है या कहीं पे, तो मतलब वो क्या अप्रोच होती है कि मतलब कि उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, कि किस तरीके से आप डिसाइड, वो पहले से डिसाइड करते हैं कि हाँ इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विच एक्चुअली क्वाइट अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू आस्क्ड, के क्योंकि हमने एक पिक्चर बनाई थी सनम तेरी कसम जी, exactly, तो उसमें तो और जब हम शूट कर रहे थे तो हाँ हमें पता था, ऑल ऑफ अस यूज़ टू बी वेरी इमोशनल, हम लोग सेट पे भी बहुत इमोशनल रहते थे, बट वो जो तो उसकी भी मतलब व्हेन वी सी द मैसेजेस वी गेट एंड द थिंग मींस पीपल आर लाइक रियली इट इज़ टच्ड अ कॉर्ड समवेयर, यू नो, कुछ लोगों के, और अब जो लुट गए, सो आई थिंक कहाँ से निकल रही है टूटी कहानियाँ। मेरी तो शादी नहीं हुई है तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं टूटा। इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? सनम तेरी कसम वहाँ पे भी अधूरा प्यार, वास्ते वहाँ पे भी दिल टूटा हुआ है, विश्रम बेवफा वहाँ पे भी दिल टूट गया है। नहीं, वास्ते में तो दिल टूट के जुड़ जाता है, लेकिन पहले से टूट जाता है ना वो। हाँ जी हाँ। तो सर वो कहाँ से मतलब आता है कि मतलब हम जो ऐसी ये करना है? एक्चुअली ऑब्जर्वेशन हमने अभी रियलाइज किया है, जब ऐसा हो रहा है हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है एक्चुअली। हमारी ट्रेजेडीज आर कनेक्टिंग मच, जो कहानियां हम ट्रेजिक टेल ऑफ लव बोलते हैं गानों में भी एक इनहेरेंट वर्ल्ड स्पेस होती है जब आप एक गाने कहीं हमारी जो कहानियाँ हैं, जो ट्रेजिडी है वो, या ब्रोकन हार्ट्स का जो कहानियाँ है वो हमें शायद पसंद आती है, पसंद आती है। तो आई थिंक ये उसमें ड्रामा होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो आई गेस, बट ऐसा कुछ कॉन्शियसली हम लोग करते नहीं है, यू नो, लाइक वास्ते जहाँ भी दूँ, जैसे आपको ये वर्ड्स आते हैं ना, यू नो। अब ये नुसरत फतेह अली खान जी की लाइन है, आँख उठी मोहब्बत में तो अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, तेरी नज़रों ने ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। अब लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, वो शब्द ही ऐसा है ना कि
जब हम वो नुसरत साहब की उनकी वो कवालियाँ भी सुन रहे थे हम लोग, तो जब उन्होंने जब वो वर्ड लिखा होगा लुट गए, और उनको भी जब आपने गाते हुए देखा ना, तो द मोमेंट यू से लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, देन इट्स ट्रेजिक. इट कैन नॉट बी, इट हैज टू बी अ ग्रेट टेल ऑफ लव. सी दिस काइंड ऑफ लुट गए यू ओनली हैव अ टू लेवल्स, या तो ऐसी मोहब्बत जो लाइफ टाइम में एक बार होती है, या ऊपर वाले के. यू नो, आप ऊपर वाले को देख के बोल सकते हो लुट गए हम पहली मुलाकात. तो देर आर ओनली टू लेवल्स एट विच द सूफी टेल ऑफ लव. सो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें तो आप छिछोरे लव स्टोरीज नहीं डाल सकते हैं आपको. तो जनरली आदमी बात नहीं कर रहा, बट लुट गए के लिए जब हमने नुसरत साहब का ये जब अल्फाज सुने, तो द ओनली थॉट इट केम टू आवर माइंड इज दैट वो इमॉर्टल टेल ऑफ लव. हां, वो कांस्टेंटली चांदनी रात की बातें करते. तो व्हेनेवर आप चांदनी रातों की बात, देन यू रिमेंबर द ग्रेट क्लासिक लाइक यू नो शिरीन फरहाद एंड मजनू, लैला मजनू, एंड यू नो in your subconscious it's there, you know, ki wo raat mein jaaya karti thi wo pot ke saath, you know. So every time your world is your subconscious gets excited by that kind of imagination. So the credit goes to Nusrat Fateh Ali Khan ji, jinhone itna mahila word likhe. And isi ke saath mein agar lud gaye ki agar baat kare to how this has happened, matlab kis tarike se iski shuruaat hui, aapke dimag mein aaya ki ha is tarike se bhi ye banate hain, ek recreate karte hain. नहीं, ये जैसे राधिका जी ने कहा, भूषण जी का जो ट्रेजर है ये उस ट्रेजर से एक निकला हुआ गाना है. तो भूषण जी कह रहे थे उस दिन, हम लोग परसों ही जब हुजूर गए उससे पहले, कि ये उनके दिल के बहुत करीब था ये गाना. और बोले मेरे पास कितना साल भर से दो साल से बोले मेरे पास ये गाना था, एंड मैं हमेशा इसको सोचता था कभी करूँगा. फिर उन्होंने हमारे से जिक्र किया, तो जब हमने फिर सुना लुट गए पहली मुलाकात में, फिर हमने जब उनको ये कॉन्सेप्ट सुनाया कि सर हमारे दिमाग में ये एक ट्रू स्टोरी आती है, कि इट्स लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी, यू नो हाउ अ पर्सन जब वो किस तरह से वो एक ज़िंदगी में एक मुकाम से एक एज से उधर चला गया, जो एनकाउंटर कॉप की कहानी है, कि वो ज़िंदगी में उस पड़ाव पे चला गया कि वो एनकाउंटर कॉप पड़ गया जिसके लिए डेथ का कोई मतलब नहीं रहा, यू नो. तो इस किस्म की एक स्टोरी और इस किस्म का एक लव स्टोरी वॉन्ट टू टेल. And then I think, like she said, Bhushan ji was nice enough to give us the song, and we could make Pana it. Pana to unhone banwaya puri. But beautiful song, and then the, like I said, the moment. Then Imran sir aa gaye usme, zone pe zo aa gaya. So he said Imran sir ke saath ye gaana karte hain. To fir humne socha ki this is an ideal story for. Imran sir is a jo hum log ka kahani tha ke ek undercover cop hai, and who becomes an encounter cop because of love. The reason for going the other side was love. So we were, so and Imran sir has got a face which is like a sad eyes, angel face, you know. And when he gets hurt, then he's the person who will trip on the other side, you know. And so that's how Imran sir smile bhi karte hain, to unki smile mein thodi si ek sadness hai, you know. Nahi, unki purani filmon ki bhi, unki filmography aisi hai, like Jannat and Murder and all. So ek, yeah. So, उसी के साथ में किस तरीके से वो ऑन बोर्ड आए, किस तरीके से उनके साथ में आपका ये पूरा मतलब क्या सा उनके साथ में कोलैब रहा? आई थिंक जब इमरान सर जैसे एक्टर्स जो होते हैं, हम सलमान सर के साथ भी गाने करते हैं काफ़ी. अब ये लोग जो है ना, इन लोग इतने बड़े स्टार्स हैं ना, इनकी फ़ैन बेस इतनी ज़्यादा है ना, जैसे आपने कोई से बोलो इमरान सर तो जन्नत मर्डर इज अ होल लिस्ट ऑफ हिट फिल्म्स एंड हिट सॉन्ग्स, और इतनी डीप पेनिट्रेटिव. और तो इनके साथ जब आदमी काम करता है तो एक एक वो भी रहता है कि ही सच अ बिग स्टार, सच अ बिग थिंग. बट व्हेन वी वर्क विद इमरान सर, आई थिंक वो जो एक हमारे कॉम में वो है ना, कहते हैं डायरेक्टर्स एक्टर जिसको बोला जाता है ना, आई थिंक इमरान सर इज़ जस्ट लाइक दैट. हमने कभी भी वो मॉनिटर पर नहीं आते हैं देखने के क्या मेरा, हम लोग शॉर्ट्स होके बोल रहे हैं. कभी भी यू टेल हिम के सर इस तरह से इसको अप्रोच करते हैं, इस तरह से उस सीन को करते हैं, ही जस्ट वाइप्स ऑफ जो उनका जो भी तरीका होगा, एंड ही सेज इस तरह से करता है जिस तरह से डायरेक्टर चाहता है ना, एंड दैट्स वाई द रिजल्ट इज़ फॉर एवरी वन टू सी. हमसे हमने भी बहुत सारे हिट्स दिए, बट लुट गए इज लाइक अनबिलीवेबल काइंड ऑफ. इमरान सर सेट पे है ये भी आपको रियलाइज नहीं, वो शॉट देते हैं वापस नहीं जाते हैं, ना अपने रूम में जाते हैं ना अपने वैनिटी में जाते हैं, वो बैठे रहते हैं. हम भूल भी जाते हैं कि इमरान सर बैठे क्वाइटली, अरे इमरान सर को बुलाओ, ही सेज मैं यही हूँ. तो ही डजंट लीव, ही इज वेरी ओल्ड स्कूल इन दैट सेंस, कि एक बार सुबह वो सेट पे आते हैं तो फिर सेट छोड़ के फिर
पैकअप पे ही जाते हैं, तो ही सच अ जॉय टू वर्क विद, बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेस ही नहीं होता है कि नहीं एक्टर को बुलाओ या एक्टर थोड़ा सा रेस्टलेस. प्रोफेशनल, दैट्स ऑल्सो प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल के बियॉन्ड है. प्रोफेशनल एक्टर तो वो होता है जो आपका काम टाइम पे, वो टाइम के बियॉन्ड भी वो आपको, वो इज अ वेरी सपोर्टिव एक्टर टू अ यूनिट एंड टू द डायरेक्टर एंड टू एवरीथिंग. एज विनेसेस ही नेवर कम्स. इनफैक्ट युक्ति के साथ हमने कुछ एक महीने की रिहर्सल की थी एंड जो डांस स्टेप्स थे ना, तो इमरान सर के साथ हमने एक स्टोरी बीट्स वी हैड गॉन थ्रू. तो अब सलमान सर को थोड़ी ना हम लोग कभी रिहर्सल पे तो नहीं, तो हमने इमरान सर को भी कभी रिहर्सल पे नहीं बुलाया. युक्ति नहीं थी तो उसके साथ रिहर्सल किए, तो हमने एक्सटेंसिव रिहर्सल. तो सेट पे देखा, अरे युक्ति को तो सारे स्टेप्स आते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे भी रिहर्सल करना था. तो वी टर्न ऑन सेट फॉर सच अ स्मॉल डांस पोर्शन, यू वॉन्टेड टू कम फॉर रिहर्सल, ही सेज हाँ आप लोगों को बुला लेना चाहिए था, आई वुड हैव 100% कम बिकॉज डांस आई लाइक टू रिहर्सल ऑन. ही सेड सर अगली बार तो ज़रूर आपको रिहर्सल्स पे बुलाएंगे. फिर वो कोने में चले गए, फिर रिहर्स करके आए और फिर उन्होंने अपने स्टेप्स किए. तो ही वॉज जस्ट इनक्रेडिबल. ओके, जब शुरुआत हुई इस सॉन्ग की जर्नी, जैसे कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक महीने से प्रैक्टिस चल रही थी युक्ति के साथ में उसके डांस ये एंड ऑल, तो तब सोचा था कि हाँ इसको ये रिस्पांस मिलने वाला, ये मिल जाएगा, और अब मिल गया तो अब लगता है कि मेहनत सफल होगी. नहीं नहीं, अभी अभी मैं हम लोगों की 5 मिनट पहले युक्ति से बात हो रही थी, तो शी सेइंग सर इट इज़ लाइक अ ड्रीम. जब मैं पहली बार आपके रूम में आई थी और 10 मिनट का एक आपने बात की थी और मेरे को लॉक कर दिया, तो इट्स लाइक अ जर्नी. तो आई सेड दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़ ऑल अबाउट, के एज अ डायरेक्टर यू लुक एट अ पर्सन एंड यू से यस शी इज़ राइट फॉर यू, एंड बाकी तो नहीं. नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था जब हम रिहर्स कर रहे थे, बट हाँ अभी लगता है कि अच्छा हुआ मेहनत फल लग गया. बट उस वक्त तो बहुत डर में रहते हो. एक तो इमरान सर ने बोला कास्ट कौन कर रहे हो, तो विनय जी ने उनको कहा था कि सर हम नई लड़की को ढूंढे, उन्होंने पूछा तक नहीं. ऑन द डे ऑफ द शूट ही सॉ, तो कभी भी हमको थ्रू आवर ट्रायल्स, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स, नेवर आस्क्ड अस कि भाई लड़की कौन है एक बार बता तो दो. इनफैक्ट लॉट ऑफ स्टार्स को नाम आए थे कि इस स्टार को ले लो, उस स्टार को ले, तो हमने कहा नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं होगा. न्यू गर्ल इस कहानी में इमरान, ही सेड फाइन इफ यू गाइस आर कन्विंस्ड लेट्स गो विद द न्यू गर्ल. एंड फिर जब सेट पे आए तो फिर पहला शॉट देने आए युक्ति के साथ, जो वो दुल्हन रो रही होती है और पहली बार उनको देखते हैं, वो फर्स्ट सीन वही हमारे फर्स्ट शॉट थे. तब इमरान सर युक्ति से मिले थे और युक्ति के हाथ एकदम ठंडे, आइस थे, इतनी डरी हुई वो. दो शॉट तक तो मैंने कहा तुमको क्या हो गया, तुमको हीटर चाहिए. शी सेज मैम मुझे बहुत डर लग रहा है सर, बट इमरान सर वाज सो जेंटल कि फिर वो ठीक, उसके दो तीन शॉट पास. एंड इसी के साथ में इस ये जो कहानी जो है, जिस तरीके अंडरकवर एक कॉप की, ये जो जिस तरीके से ये ट्रू स्टोरी है, जिस तरीके से हम भी जानते हैं, तो क्यों लगा कि इस गाने में इसको दिखाना चाहिए एंड इसको उस पे सेट करना चाहिए? दैट लाइक आई सेड, The credit goes to that credit goes to Nusrat Fateh Ali Khan who wrote that word, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. When you say लुट गए तेरी मोहब्बत में, मतलब पहली मुलाकात. हाँ, it is that. कहाँ से आता है आपको? कहाँ से? I'm saying when you hear these kind of words, ना, it gives you those visuals because as director. कुछ words जो दिल में घर कर जाते हैं. और आप क्या होता है as a director, जब आपका गाना आता है, जब आता है, तो it's a blank canvas. कोई होता कुछ भी नहीं होता है. फिर एज अ पेंटर यू आर पेंटिंग वन बाय वन, एक एक चीज़ आप उसमें लगाते हैं. तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट जब आपको थॉट मिल जाता है, फिर आप उसमें करते हैं, तो फिर देन द होल थिंग. और जब होता है ना 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 जो शुरू होता है वो गाना, तो विनय जी और मैं बैठे हुए थे, हमने कहा यार एक रात की एक स्ट्रीट दिखती है जहाँ एक शादी का घोड़ा है और एक पीछे में एक गन शॉट्स की आवाज़ है और एक बंदा खून से लथपथ हाथ उस पर चढ़ के ऊपर जाता है और खून के, ये हमारा पहला थॉट था. Because it's the music, even Tanishq did such a great job of and Jubin, jis tarike se unhone render kiya hai is gaane ko. To and, and rhyming and music is too catchy. Yeah, yeah. Sun lete hai, very, dimaag mein baith jayega. Very yeah. Nice. Very nice. Tanishq just produced it so bahut well. Achha recreate kiya. Bahut achha recreate kiya hai Tanishq. And isi ke saath mein jo aapne bataya ki jaise Yukti jo hai ek जो एक नए एक्टर हैं, मतलब जो उन आपके गाने को पहली बार आई हैं, तो कितना मुश्किल एंड डिफिकल्ट हो जाता है नए एक्टर्स के सामने काम करना, या इजी रहता है या बहुत मुश्किल हो जाता है? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? नए एक्टर्स तो इजी होते हैं. क्या होते हैं वो? बिल्कुल एक इनोसेंट सा कैनवस होता है, एंड द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ न्यू पर्सन इज़ के द
लाइक अभी युक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो युक्ति बोली सर आपने सिर्फ एक ही बात पूछी थी कि मेरे पेरेंट्स कौन है और मेरे भाई बहन कौन है, और आपने कुछ भी नहीं पूछा. तो मैंने कहा बस न्यू कमर्स के साथ काम करने के लिए एक ही बात पता होनी चाहिए कि तेरे संस्कार कैसे हैं. कि शी इज़ फ्रॉम दिल्ली. ऐसे बच्चे कोई भी न्यू कमर्स अच्छा इसके संस्कार अच्छे हैं तो फिर वो जर्नी कर लेगा जो न्यू कमर्स से रिक्वायर्ड होती है. तो यू नो न्यू कमर्स से हार्ड वर्क चाहिए होता है, एक गुरु और एक उसकी एक जो होता है ना एक कंप्लीट फेथ यू हैव टू हैव इन योर डायरेक्टर. एंड द जर्नी इज़ वेरी टफ. द डिसिप्लिन, द होल द रिहर्सल्स, द होल लुक टेस्ट ट्रायल, इट्स अ फुल एक्सरसाइज. वो आप कर लोगे अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी होगी. तो दैट वे न्यू कमर्स आर थोड़े से हाँ, तो दैट्स व्हाई न्यू कमर्स आर ब्यूटिफुल टू वर्क विद प्रोवाइडेड दे डू द वर्क करेक्टली एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज कुछ उनके दिमाग क्लीन होते हैं पूरे. आप बोलो इस तरह से एक्टिंग करो, इस तरह से, इस तरह से. तो जिस तरह से ये रो रही है युक्ति, वो मैम ने एग्जैक्टली बताया था युक्ति तो रिहर्सल में ऐसे होगी, ऐसे अपना घाघरा उठाएगी, ऐसे पीछे जाए. सो इट्स ऑल कोरियोग्राफ्ड एंड टोल्ड टू हर एंड इट्स अ वर्जिन माइंड, इट डजंट कम विद एनी बैगेज, यू नो. तो इट इज ब्यूटीफुल. एंड देन व्हेन यू गेट अ कोस्टार लाइक इमरान सर, माने युक्ति को जब शूटिंग हुई थी तो कैसे गिरना बॉडी पे वो सब इतनी वो इमरान सर हम कहते थे यहाँ तो इधर तो वो एडजस्ट करके उसको बोलते थे नहीं आप ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो. So there an experienced co-actor also really helps a newcomer. And Imran sir ka kya reaction tha jab aapne unko is pure concept ke bare mein bataya and ki hum aise karne wale hain. He loved it. We were doing first, it on phone call, Zoom call pe. Zoom call. Matlab kya reaction tha unka jo first date sudden reaction jo hota hai na ki matlab ha yaar that's really very successful actor. Yeah. Like we've seen this with Salman sir. Now we've seen this with him. Wo zyada cogitate nahi karte. Sunte hain it is ha ya na. बस वो एक टाइम पे वो इमीडिएटली वो उनका स्नैप रिएक्शन होता. तो इमरान सर का भी यही था. एक तो जूम कॉल पे आई वाज नॉट हैप्पी. आई टोल्ड विनय यार जूम कॉल पे कौन सी नरेशन होती है मिल लेते हैं. तो विनय ने कहा यार कर लेते हैं जूम कॉल, अब कोविड चल रहा है जूम कॉल पे ही कर लेते हैं. पूरी नरेशन जूम कॉल पे वो फील भी नहीं मिलता है, नहीं आता है, डर लगता है. बड़े स्टार होते हैं आपको लगता है ना, हमने पहले अगर सलमान सर होते तो फिर भी चलो जूम कॉल पे बिकॉज वो हमें जानते हैं. तो ही इज वेरी टॉलरेंट ऑफ आज और हमारी गलतियों को भी वो बहुत बार यू नो माफ कर देते हैं. तो हमने इमरान सर के साथ तो पहले काम नहीं किया था बट ही वाज सच अ स्वीट हार्ट. उन्होंने सुना एक बार इसे फैंटास्टिक, आई लव द कॉन्सेप्ट, लेट्स डू दिस, बस और कुछ नहीं. नो और आई मस्ट से देयर इज अ उनकी जो मैनेजमेंट है ना वो बड़ी अच्छी है. उनके यहाँ पे एक सनी सर करके हैं जो उनका सब देखते हैं. वो ये जब जूम कॉल ख़त्म हुआ तो इमीडिएटली एक पिंग आता है. तो मैंने ये किसका पिंग आया, तो उन्होंने बोला सनी सर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. अच्छा तो वो भी बहुत ही हमारे काम देखते हैं, उनकी बेटी हैं वो हमारे सारे कामों को बहुत पसंद करती हैं. तो हमने कहा सनी सर आपने किसे पिंग किया, बोले नहीं आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट कि माई डॉटर इज़ अ बिग फैन ऑफ योर वर्क एंड शी लाइक्स ऑल आर ध्वनि भानुशाली के जितने गाने हैं ना हमारे क्यूट क्यूट से कॉलेज रोमांसेस जो हैं सारे के सारे. इनफैक्ट दिव्या जी का जो गाना था तेरी आंखों में दिखता है कहते हैं वो जो पिंक विंग्स हैं वो पिंक लहंगा है. वो कह रही थी कि इस बार डांडिया पे उसको वही पहनना है, सेम पिंक विंग्स हैं. उसको कपड़े बड़े पसंद है. एंड इसी के साथ में प्रेशर बीइंग अ डायरेक्टर, कितना प्रेशर बढ़ जाता है जब पुराने गाने हिट्स हो जाएं और जब आगे जो काम करना है लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं उसके ऊपर कि हाँ इन्होंने मतलब पुराना गाना था और इन्होंने हिट दे दिए, पुरानी जो लिस्ट जो जा रही है काफी हिट है, तो कितना प्रेशर आ जाता है मतलब आगे वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए उनके ऊपर. आप दोनों से मेरा सवाल है. प्रेशर ही प्रेशर रहता है आदमी को, अपनी उस पे हो जाता है. उधर असर की मतलब की अभी मैंने लास्ट टाइम मैंने 70 कर दिया, अभी मेरे को 80 करना है, प्रेशर इज देयर. बट वॉट हैपन्स इज ना वेन एवर यू आर अप्रोचिंग अ वर्क ना यू आर कॉन्शियसली ट्राइंग नॉट टू गेट दैट प्रेशर प्ले ऑन यू, अदरवाइज क्या हो जाएगा ना. दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो ये होता है कि देर इज़ नो फॉर्म्यूला. सो क्या होता है ना, ये हिट्स से क्या एक बड़ी बात हो जाती है ना कि अच्छा उसमें ये किया था, ये किया था, इसके बाद ये सीन हुआ था, उसके बाद ये सीक्वेंस हुआ था, ये किया था, ये इमोशन लाए थे, इस वजह से चला था. अब जैसे ही वो फिर आप वो फॉर्मूले को लाने लगते हैं ना तो फिर भी गड़बड़ हो जाती है. एक तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हिट्स हो जाते हैं तो. दूसरा फिर उसका बैगेज लेके चल रहा होता है तो डर लगा रहता है कि यार वो अब अपने हिट नहीं हुआ तो आदमी करूँ नहीं करूँ, यार आई एम सेटिंग ऑन सच अ बिग हिट तो उसका. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर बट आई थिंक व्हेन यू अप्रोच इट वी जस्ट लीव इट एट दैट टाइम बिकॉज यू नो गाना आया, टेक इट फ्रॉम अ वर्जिन माइंड, थिंक अबाउट इट कि ये जो गाना क्या कहानी कह रहा है दिमाग में, उसको लेके चलते हैं
और फिर वहाँ से कहानी हमें याद है, मैं हम लोग एक आदमी को हम लोग अपना गुरु मेंटर समझते हैं, विच इज सलमान खान सर। हमें याद है दबंग में हमने मस्त मस्त उन्नयन गाना किया था, जिसमें वो जी चश्मे में हार्ट्स वो सब विजुअल्स थे, विच वेंट ऑन टू बी द पोस्टर डिजाइन ऑफ दबंग। हिट हो गई थी वीकेंड में, दबंग वन जो दबंग बन गई है, नहीं बट पूरी दबंग सुपर डुपर हिट हो गई थी। मुझे याद है जूहू में किसी एक रेस्टोरेंट में पार्टी थ्रो की थी सबने, एंड सब खड़े हुए थे, बट बड़ी पार्टी थी, सक्सेस पार्टी। हम भी गए थे तो हम पूछ रहे थे भाई, कहते भाई कोने में सलमान सर खड़े हुए हैं क्वाइटली, सबको देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द सब लोग, भाई ये भाई वो, यू नो एंड ही वाज जस्ट सिटिंग स्टैंडिंग विद अ स्माइल, सो काम। वी वेंट एंड अदर वाज सेइंग व्हाट, एंड ही सेड सक्सेस ऑफ दबंग, ही सेड एंड ही पॉइंटेड टू अस। सो बेसिकली मेंट टू से किस्मत और दूसरे, आई मीन वो जो उनकी ह्यूमिलिटी थी। तो हमेशा जब आप रियलाइज करते हो कि जो ग्रेट्स होते हैं जिनकी 30-30 साल की करियर होती है, जो इतने बड़े बड़े हिट्स देते हैं, लगता है कि फिर वो वापस कैसे जाते हैं, बहुत मुश्किल है उनकी तरफ होना। एकदम ही वो उसी दिन डिटैच हो गए थे, दबंग से ही डिटैच हो गए थे, वो दो दिन बाद ही डिटैच हो गए थे। पर हम भी कोशिश करते हैं थोड़ा मोड़ा उनसे सीखने की कि वो बैगेज ना कैरी करो, पर वो जो उन्होंने किया था ये और ये, बेसिकली किस्मत और दूसरे लोग, तो उन्होंने क्रेडिट भी नहीं लिया अपने, एंड ही बिलीव्ड इन इट जेन्युइनली, यू नो। सो एंड सलमान सर को इंप्रेस करना इज टू बिग थिंग, नो नॉट जस्ट एज ही बट ही मेंट इट, यू नो। आई थिंक दैट्स व्हाई ही, दैट्स व्हाई इट डजंट गेट इनटू हिज हेड, बिकॉज़ उतने बड़े हिट्स तो हमने भी नहीं दिए, वो तो माने कुछ और ही लेवल के लेजेंडरी हिट्स हैं वो। तो वो लोग इतने ग्राउंडेड रहते हैं ना, सो यू लाइक टू लर्न, एंड एज विनय सेज we treat the first the job we have as the first and the last job. फिर हम भूल जाते हैं कि हमने इतना, हमें लगता है यार ये पहला काम है और ये आखिरी काम है, ये ठीक नहीं किया तो दूसरा काम नहीं मिलेगा। तो we always kind of approach and then I always shut my eyes and think of Salman sir saying this and that and I say yeah it's scary. And particularly at this time of our career, you know, हम लोग पिछले कुछ 10-9 गाने हुए हैं and like they are like by the grace of God and everybody, like it's they are massive, and so it's a good run we are having, but agar uska baggage leke chalenge to mar jayenge, because isliye college romances hain wo sare ke sare jo waste teri aankhon mein ye sab, phir ye ek 90s ka cop story hai, so jo gana organically jo visuals de na, I think that's the path one should take. Hits of flops to khair chalte rehte. We are doing a song with one of the really cutest and the nicest boy we've met in a very long time, and he's a really very fine actor. We've seen him growing up in front of us only. Arjun Kapoor ke saath ek gaana kar rahe hum log. He's really a very fine actor and great dancer, and so ek wo kaun se gaana hai agar batana chahe to. वो तो कुछ नहीं, हम यही बोल सकते क्योंकि हम शूट कर चुके हैं, तो अभी क्या ये तो कर ही रहे गाना, तो एक अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत के साथ में गाना कर रहे हैं, इट्स अ फैब सॉन्ग एंड दैट्स द वन। एंड फिल्म भी कर रहे हैं आप लोग, उसके बारे में बताइए। हाँ फिल्म तो हम कर रहे हैं, भूषण जी के साथ ही फिल्म कर रहे हैं, और जुलाई में होपफुली फ्लोर पे जाएगी। इट्स अ म्यूजिकल, भूषण जी और हम साथ में आ रहे हैं तो गाने तो होंगे, तो इट्स अ म्यूजिकल एंड इट्स अ coming of age film of three couples and three people, and hopefully if the lockdown opens we'll shoot it in London, and that's the film we're doing for beginning next year release के लिए। and lastly आप दोनों क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक जो देख रहे हैं उनसे, कि क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे आप? दर्शक को तो थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप हमारा काम देखते हैं, हमारे काम को लाइक करते हैं और हमारे काम को इतने मिलियंस ऑफ व्यूज देते हैं, बिकॉज उनके बिना तो आप कुछ नहीं हो, आपकी कोई क्रिएटिविटी, आपकी कोई वजूद नहीं है। सो थैंक यू सो मच, स्पेशली कोविड टाइम्स के थ्रू हमारे काम को वो देखते गए और सपोर्ट करते गए, सो दैट पीपल लाइक अस कुड गो आउट एंड वर्क। सो थैंक यू सो मच, एंड वी प्रे दैट आप हमारा काम देखते रहें और लाइक करते रहें। या दैट्स व्हाट वन हैज टू से, के बस के एक डायरेक्टर की ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि कब ऑडियंस को क्यों उसका काम नहीं पसंद आ रहा है वो पता नहीं चलता है। तो इट्स अ बिग थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस दैट दे लाइक आवर सॉन्ग, एंड लाइक शी सेड
क्या आपका क्या लाइन है वो तकदीर का क्या बोलते हैं मेहनत अपनी रहमत उनकी, मेहनत अपनी रहमत उनकी, बस रहमत हाँ, बनी रहे ऊपर वाले की और पब्लिक की पब्लिक मेहनत हम कर सकते हैं पर रहमत, रहमत उनकी, उनकी बनी रहे बस, और बस वही है उसी की प्रेयर रहती है। थैंक यू सो मच सर एंड मैम तुमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आपका गाना इसी तरीके से और जो भी आ रहे हैं वो हिट होते रहे। थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग अस।